तो गाइज कल था 10 सितंबर, और 10 सितंबर को नथ कृष्णा और गौरी की कहानी जो सीरियल आता था दंगल टीवी पे, उसका एंड कर दिया गया है। वो उसका लास्ट एपिसोड था, यानी कि पूरे का पूरा नथ सीरियल तो ऑफ एयर नहीं गया है, लेकिन ये वाली जो करंट जनरेशन चल रही थी, ये वाली जो स्टोरी चल रही थी, उस स्टोरी लाइन का एंड यही वाले एपिसोड के साथ हो जाता है। और अगर हम बात करें कि एक्चुअल में ये जो कहानी, इसको एंड क्यों किया गया, यहाँ पे बंद क्यों किया गया, पहले तो रीज़न जान लेते हैं मेन वाला। तो गाइस कुछ टाइम पहले तो ये शो ऑफ एयर ही जाने वाला था, और दंगल टीवी का पूरा फैसला था कि शो को बंद करेंगे आने वाले समय में, लेकिन शो की टीआरपी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव होने लग गई थी जब इन्होंने लीप वगैरह लेकर आए थे यही वाले सीरियल में, और कुछ चेंजेस किए थे इसी वाले की करंट जनरेशन में ही। तभी से ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है शो में बढ़ गया था, टीआरपी रेटिंग्स इतने अच्छे से इंप्रूव हुई, तो दंगल टीवी वालों ने ये फैसला लिया कि अब शो ऑफ एयर नहीं जाएगा। तो फिर वैसे ही शो ऑफ एयर भी नहीं जा रहा और ना तो करंटली चल रहा है। लेकिन अब मेन पॉइंट यह है कि ये वाले एक्ट्रेस के साथ ये वाली स्टोरी लाइन में मेकर्स श्योर नहीं थे कि वो आगे और कहानी बढ़ाए, बिकॉज पहले तो मेकर्स ये शो को बंद करने वाले थे, उन्हें भी यही चैनल की तरफ से नोटिस आया हुआ था कि शो को बंद करना है, लेकिन फिर एक्सटेंशन दे दी गई कि टीआरपी अच्छी आ रही है तो अब शो को बंद मत करो। तो मेकर्स श्योर नहीं थे कि करंट वाली स्टोरी लाइन के साथ, करंट वाली कास्ट के साथ वो कहानी को कहाँ आगे लेके जाएं, कहाँ कौन सी डायरेक्शन दें ये वाली कहानी को। तो उनके पास ज़्यादा कुछ कहानी बची नहीं थी करंट वाली स्टोरी लाइन में, इस करके उन्होंने डिसीजन लिया कि करंट वाले जो कास्ट मेंबर्स हैं, करंट वाले जो करेक्टर्स हैं, इनकी कहानी को एक प्रॉपर एंड देते हैं, एंड उसके बाद नथ का एक अगला एरा यानी कि एक अगला पड़ाव स्टार्ट कर देते हैं, एंड उसी के बाद 12 साल के बाद वाली लीप के बाद के एपिसोड्स आपको आज से 11 सितंबर से देखने को मिलने वाले हैं, जिसका नाम रखा जाएगा नथ रिश्तों की अग्नि परीक्षा। बस यही मेन रीज़न है कि कृष्णा और गौरी को बंद किया गया, उसकी कहानी को एंड किया गया, जबकि टीआरपी रेटिंग्स भी बढ़िया थी, लेकिन अब कहानी में फ्रेशनेस चाहिए थी। जब भी कहानी में कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है मेकर्स की तरफ से, फैंस की तरफ से, तो फिर शो में लीप लाया जाता होता है। बस इसी करके कृष्णा और गौरी की कहानी को एंड कर दिया गया। ऑल्सो अगर हम बात करें शो की एंडिंग कैसी हुई है, तो वह शो को मिली है एक सैड और एक ट्रेजिक एंडिंग, बिकॉज सीरियल के एंड में जो चाहत पांडे का करेक्टर है कृष्णा, वो भी मर जाती है। वो कैसे मरती है, बिकॉज रोड पे अपनी बेटी को बचाते बचाते उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रक के साथ, एंड इसके साथ वो साइड पर काफ़ी ज़्यादा लंबी एक जगह है जहाँ पर वो लटक जाती है, तो उसको रस्सी वगैरह देते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी पहुँच जाते हैं, काफ़ी एफर्ट्स वगैरह करती है छोटी लड़की भी, लेकिन उसको बचा नहीं पाते हैं, और वो रस्सी के पकड़ते पकड़ते उसका हाथ स्लिप हो जाता है, और वो इसी पहाड़ से जो भी है ये लंबा सा बड़ी सी जो पहाड़ी है वहाँ से नीचे गिर जाती है, और इसी करके उसकी डेथ हो जाती है। तो शो में ये एंड किया गया है, और एंडिंग इस तरह से ट्रेजिक दी गई है। फैंस ज़्यादा खुश होते हैं अगर पॉजिटिव एंडिंग दे के करेक्टर एंड किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जनरेशन लीप जब लाए जाते हैं अगली कहानी का स्टार्ट करना होता है, तो पिछली कहानी को थोड़ा ट्रेजिक तरीके से ख़त्म करते होते हैं, तो इस शो में भी हमें वही देखने को मिला है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको एंडिंग कैसी लगी। आने वाले दिनों में और सारे बड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, मिस करेंगे या फिर नहीं ये भी बताना। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।